बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय। मंच पर विराजमान विद्वतगण तथा धनी के लाडले प्रिय सुंदर साथ जी, आप सभी को मेरा प्रेम प्रणाम जी। आज का मेरा विषय है सेवा, जिसके बारे में किरंदन की वाणी में कहा गया है, जिन सुध सेवा की नहीं ना कछु समझे बात, सो काहे को गिनावे आप साथ में, जिन सुध ना सुपन साख्यात। श्री महामती जी किरंतन के वाणी 63वीं प्रकरण की पहली चौपाई के माध्यम से कह रहे हैं, जिन सुध सेवा की नहीं, जो सेवा कार्यों से कसो दूर रहते हैं और ज्ञान की बात सुनना भी पसंद नहीं करते, उन्हें ना तो इस संसार की वास्तविकता का ही बोध हो पाता है और ना ही अखंड ब्रह्म का ही। ऐसे लोगों को किसी भी परिस्थिति में सुंदर साथ नहीं माना जा सकता। यहाँ पे सेवा की बात आई है, तो सेवा का तात्पर्य क्या है, सेवा का भाव क्या है, सेवा किस प्रकार से करनी चाहिए, आज मैं इस विषय पे अपना भाव रखने जा रही हूँ। सेवा और कार्य में जो छोटा सा अंतर है वो है भाव का। यदि हम कोई सेवा करें और उसमें हमारा भाव ही ना हो तो वो सेवा नहीं बल्कि कार्य ही माना जाता है। इसे हम एक दृष्टांत से समझते हैं। एक घर में एक बाई रखी हुई थी खाने भोजन बनाने वाली, तो वहाँ पे एक छोटा बच्चा हर प्रतिदिन दो ही रोटी खाता था, बल्कि उस दिन कुछ कारणवश उसे और ज्यादा भूख लग गई तो उसने बोला मुझे एक और रोटी चाहिए। तब बाई ने गुस्से में आके क्या बोला, तुझे दो खानी ही थी तो पहले नहीं बोल सकता था। तो भी उसने गुस्से में बना लिया क्योंकि उसी कार्य से उसे वेतन मिलता है। परंतु उसी जगह पे उसकी माँ होती तो क्या बोलती, आज मेरा बच्चा और एक रोटी खाने की मांग कर रहा है। वो और प्रसन्न होके भाव से अपने बच्चे को खिलाती। तो सुंदर साथ जी, यह होता है सेवा और कार्य में अंतर। यदि सेवा के साथ भाव भी जुड़ जाए तो सोने में सुहागा वाली स्थिति हो जाती है। आज हम अपने घर में सेवा पूजा तो करते ही है, और क्या गाते हैं, श्री जमुना जी के घाट में, और भोग लगाते समय क्या गाते हैं, तीजी भोम की जो पड़सा है। क्या हमारा मन सेवा पूजा में होता है? नहीं सुंदर सा जी, बल्कि माया के कार्यों में होता है। यदि हम श्री धाम धनी को यह भाव लेके गाए कि हम साक्षात धनी को झिलना करा रहे हैं जमुना जी के अंदर, तथा तीजी भोम की पड़साल में अपने धनी को अपने हाथों से भोजन करवा रहे हैं, यह होता है सेवा। सेवा ही मानवता का श्रृंगार है, सेवा के बिना मानव अधूरा है। लेकिन योगियों के लिए भी सेवा कठिन मानी गई है। हम देख सकते हैं कि अपने ज्ञान उपदेश से मानवता को अमृत पिलाने वाले गौतम बुद्ध तथा धर्म संस्कृति के साथ साथ आडंबरों को समाप्त करने वाले आदि शंकराचार्य जी तथा महर्षि दयानंद जी आज विश्व में प्रसिद्ध है, क्योंकि इन्होंने किसी सेवा को छोटा या बड़ा नहीं समझा और कोई सेवा करने में झिझक भी नहीं मानी। हम गुरुद्वारा में देख सकते हैं कि किस प्रकार सेवा की जाती है। जो सब बड़े बड़े सेठ होते हैं वो सेवा की चाह लिए आते हैं, और सेवा क्या करते हैं, आके वहाँ जो भी लोग आते हैं उनके जूठे पत्थर उठाने की सेवा करते हैं। गुरुद्वारा में कई प्रकार से सेवा की जाती है, परंतु आज हमारे समाज में क्या है, हम सेवा को बड़ा और छोटा मान बैठे हैं। और यदि हम थोड़ी सी धन की सेवा करें, जब तक हमारा नाम माइक में ना बोला जाए तब तक हमारे दिल को चैन नहीं होता, और हम सोचते हैं कि हमने जो सेवा की उसका ढिंढोरा पीटा जाए। हम ये चाह लिए करते हैं, परंतु पिथक में क्या कहा गया है, सेवा करे ना जनाव ही अपनी आत्म के कारण, दिखावे नहीं काहू को समझावे अपना मन। कि जो सच्ची सेवा करता है वो अपने आत्म कल्याण के लिए करता है, किसी को दिखाता नहीं है कि मैं सेवा कर रहा हूँ। हम देख सकते हैं जब श्री देवचंद्र जी भोजनगर में श्री बाल मुकुंद जी की प्रदक्षिणा करते थे हर रोज, कुछ कारणवश एक दिन हरिदास जी ने देख लिया। तब जब पूछा कि तुम क्या कर रहे हो सुबह सुबह उठ के, तो उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं तो प्रतिदिन परिक्रमा करता हूँ, पर उन्होंने ये कहा, गुरुजी मुझे लगा भोर हो गया है। तो सेवा छुप कर करनी चाहिए। श्री मुखवाणी में श्री राज जी कहते हैं, मुक्ति सेवा तूने सी कहूं
जो तू अंतर आड़ो टाल अनेक विध सेवा तनी तूने उपज से तत्काल। कि स्वयं राज्य को कहना पड़ता है कि मुक्ति सेवा तूने शू कहो, कि मैं आपको किस प्रकार से कह सकता हूँ कि सेवा करो। जो आपके अंदर अहम रूपी पर्दा है, जब तक उसे हटाओगे नहीं तब तक ना तो तुम्हें मेरी स्वरूप की पहचान हो पाएगी, ना तो सच्चे दिल से आप सेवा कर पाओगे। सेवा तब होती है, सेवा क्यों होती है, जब हमारे अंदर जो अहम रूपी पर्दा है वो हट जाएगा, तभी हमारे हृदय से सच्चे दिल से सेवा होती है। हम सोचते हैं कि सेवा दो प्रकार से सेवा होती है, ऐसे तो सेवा तीन प्रकार की होती है, तन से, धन से और मन से। परंतु दो प्रकार की कौन कौन सी? एक तो हम चाहते हैं कि हमारी प्रशंसा हो और दूसरी चाहते हैं कि जो राज्य के चरणों में पहुंचे। आजकल प्रशंसा तो होती है सेवा करते हैं, परंतु हमें वो सेवा नहीं करनी, हमें तो स्वयं राज्य को रिझाना है। हमें जो सेवा कर सके गुप्त रूप से करे, और वही सेवा धनी के चरणों में पहुंचने वाली है। हम पांचवे दिन की लीला में देख सकते हैं कि देवकरण जी, वो तो राजघराने के थे ना, छत्रसाल जी के भतीजे थे, तो भी वो बंगला जी के अंदर झाड़ू लगाने के सेवा करते थे। और हम देख सकते हैं कि श्री सरकार जी, सभी जानते हैं हम, वो किस प्रकार दिन रात जाग कर, नहीं तो उनको खाने की चिंता होती थी और ना ही पीने की, बल्कि वो सेवा में इतने मग्न रहते थे, उनको अपने शरीर की भी शुद्ध नहीं रहती थी। तो इसी प्रकार श्री बड़े महाराज जी उनको क्या नाम देके बुलाते थे, ये तो मेरा लोहे का घोड़ा है। तो सुंदर साहब जी, बस मैं अंत में यही कहना चाहूंगी कि प्रेम सेवा पाओगे पार, धनी के वचन कहे निधार। प्रणाम जी।